पटना पुलिस ने शराब का सेवन करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के राजपुताना का है, जहां बीती रात शराब का सेवन कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों की जब जांच की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 5ों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 5 लोगों को कोरोना जाँच के लिए गर्दनीबाग अस्पताल ले गया है। गर्दनीबाग थाना प्रभारी की माने तो बीती रात 5ों शराब के नशे में धुत मिले थे, जिसके बाद इन सबों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही कहा कि इन लोगों ने शराब कहां से मंगवाई थी, इसकी भी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। ये कल देर शाम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग राजपुताना में बैठ के दारू का सेवन कर रहे हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित गति से पुलिस सावधानी बरतते हुए छापामारी करती है। 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, सभी दारू का सेवन कर रहे थे। वहां से दारू भी बरामद हुई है, 4 एरिस्टोक्रेट का बोतल बरामद हुआ है, 1 ब्लेंडर स्प्राइट की फुल बोतल बरामद हुई है और 1 ब्लेंडर स्प्राइट की खाली बोतल भी बरामद हुई। तो 5ों को फिर हम लोग ब्रेथ एनालाइजर से जाँच करवाए तो उसमें से दारू पीने की पुष्टि भी हुई है। तो इस प्रकार से ये सभी राजपुताना के रहने वाले हैं। उसमें से एक ननकू सिंह है, वो पुराना अपने जमाने के ठेकेदार हैं। 1 सोनभद्र के भी उसमें से आदमी हैं, 1 दरभंगा के हैं, छपरा के हैं और बाकी लोग यहाँ के हैं। उसमें से 1 व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो कोई मोहन बस सर्विस का मैनेजर है। 1 व्यक्ति जो पकड़ा गया है मुकेश कुमार, वो अपने को न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ पदाधिकारी बता रहे हैं। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, कहाँ से शराब लाया गया इस बिंदु पर भी पुलिस छानबीन कर रही है और हम लोग FIR करके उनको जेल भेज रहे हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।